हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर पॉपुलेशन का नेक्स्ट टॉपिक एनपीपी 2000 एंड एडोलसेंट यानी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 एंड एडोलसेंट, किशोर अवस्था के जो बच्चे होते हैं उनके बारे में ये टॉपिक है। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 आइडेंटिफाई, उन्होंने आइडेंटिफाई किया इस पॉलिसी के अंडर कि एडोलसेंट एज वन ऑफ द मेजर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, कि किशोर अवस्था के जो बच्चे होते हैं ये जनसंख्या का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट माना जाता है, वर्ग माना जाता है, दैट नीड जिन्हें ज़रूरत होती है ग्रेटर अटेंशन की, बहुत अधिक ध्यान देने की। बिसाइड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, इसके साथ साथ ही अगर हम बात करें तो जो उनकी न्यूट्रिशनल, जो उनकी डाइट से जुड़ी हुई जितनी भी ज़रूरतें हैं, द पॉलिसी पुट ग्रेटर एम्फेसिस ऑन अदर इम्पॉर्टेंट नीड्स ऑफ एडोलसेंट्स इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं उनको इन चीज़ों से अवेयर करवाना है कि किस तरह से जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती हैं या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिजीज़ होती हैं उनको किस तरह से हमें कंट्रोल करना है और स्पेशली फोकस करना है इस जनसंख्या के ऊपर, बिकॉज दीज पीपल्स और दीज किड्स आर आवर फ्यूचर जनरेशन। इट कॉल्ड फॉर प्रोग्राम दैट एम towards encouraging delay marriage, और इसके अंदर जो है delay marriage programs भी को encourage किया गया, and child bearing education of adolescents about the risk and unprotected sex, कि जो unprotected sex हो सर उससे कौन कौन से risks होते हैं, उनसे कौन कौन सी disease होती हैं, making contraceptive services accessible and affordable, providing food supplements, nutritional services, strengthening legal measures to prevent child marriage. People are the nation's most valuable resource. और इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा तभी हम, जैसे उनके फूड सप्लीमेंट्स हैं या उनको अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, चाहे वो उनके हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे उनके चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड हो, तो जो किड्स होते हैं दे नीड टू बी अवेयरनेस, उनको अवेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि किसी भी देश के जो लोग हैं मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स होते हैं, और एक वेल एजुकेटेड हेल्दी पॉपुलेशन जो होती है वो प्रोवाइड करवाती है एक पोटेंशियल पावर किसी भी नेशन को। नाउ स्टूडेंट्स, दीज आर द क्वेश्चन आंसर ऑफ योर चैप्टर, लेट वी स्टार्ट देम क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज़ द राइट आंसर फ्रॉम फोर अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। माइग्रेशन चेंज अ नंबर ऑफ distribution and composition of the population in first option is mein the area of departure, the area of arrival, both the area of departure and arrival, none of the above, yani migration jo hai usse jaane wale logon ko jo log dusri aur jagah ja rahe hain wo affected hote hain, ya jahan pe wo log aa rahe hain wo area isse affected hota hai, to isme dono hi area affected hote hain, yani jahan se log ja rahe hain और जहाँ लोग जा रहे हैं दोनों ही एरिया जो हैं वो वहाँ का जो हम कहें कि नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन और कंपोजिशन जो है माइग्रेशन से इफेक्टेड होता है, तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन इन अ पॉपुलेशन इज़ अ रिजल्ट ऑफ, कि अगर किसी भी जनसंख्या में बच्चे बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन में आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं, तो उसका मतलब क्या है, क्या हाई बर्थ रेट है, द हाई लेवल एक्सपेक्टेंसीज हैं, हाई डेथ रेट्स हैं और मोर मैरिड कपल्स हैं। तो इसका सबसे जो गुड रीज़न है दैट इज़ द फर्स्ट वन, द हाई बर्थ रेट्स। थर्ड है इसमें द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रिफर्स टू, तो द टोटल पॉपुलेशन ऑफ एरिया को वो रिफ़र करता है। फोर्थ क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 अ लिटरेट पर्सन इज़ वन, यानी 2011 का जो सेंसस है उसके अनुसार एक साक्षर व्यक्ति कौन है, तो कल ही हमने वीडियो में पढ़ा था कि जो एक 7 साल से या 7 साल की उम्र से बड़ा है, जो कि किसी भी भाषा में किसी भी चीज़ को लिखे हुए को पढ़ सकता है और समझ सकता है, तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर टू, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। द फर्स्ट वन इज़ व्हाई इज़ द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया डिक्लाइन सिंस 1981, कि 1981 से भारत की जो पॉपुलेशन रेट है उसमें गिरावट आई है, तो क्यों आई है। सिंस 1981 द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्टार्टेड डिक्लाइन ग्रेजुअली ड्यू टू अ रिडक्शन इन द बर्थ रेट्स, दिस हैज़ बीन ड्यू टू द एफर्ट्स एट बर्थ
कंट्रोल यानी बर्थ कंट्रोल के ऊपर जो प्रयास किए गए उनकी वजह से। डिस्कस द मेजर कंपोनेंट ऑफ अ पॉपुलेशन ग्रोथ, कि पॉपुलेशन ग्रोथ को इफेक्ट करने वाले जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्क्राइब कीजिए। तो फर्स्ट है बर्थ रेट, कि बर्थ रेट जो है वो किसी भी एरिया की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्रोथ है, उसको इफेक्ट करता है। तो इन द नंबर ऑफ लेव्स बर्थ्स पर 1000 पर्सन इन अ ईयर, इट्स अ मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्रोथ बिकॉज इन इंडिया बर्थ रेट्स हैव ऑलवेज बीन हायर देन द डेथ रेट्स। सेकेंड है इसमें आपका डेथ रेट, इट इज़ अ नंबर ऑफ डेथ पर्सन पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। द मेन कॉज ऑफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन हैज़ बीन रैपिड डिक्लाइन इन द स्टेट, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन इससे भी इफेक्टेड हुई है कि जो हमारी मृत्यु दर है वो लगातार कम होती जा रही है। माइग्रेशंस जो होता है कि एक एरिया से दूसरे एरिया में जो लोगों का पलायन होता है, या एक शहर से दूसरे शहर में होता है, या हम कहें कि एक देश से दूसरे देश में जो पलायन लोगों का होता है, वो भी किसी एरिया की या किसी देश की जनसंख्या को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण कंपोनेंट माना जाता है। डिफाइन एज स्ट्रक्चर डेथ रेट एंड बर्थ रेट, द एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन रिफर्स द नंबर ऑफ पीपल इन अ डिफरेंट एज ग्रुप्स एट इन दैट पॉपुलेशन। बर्थ रेट क्या होती है, बर्थ रेट इज़ अ नंबर ऑफ लाइव्स बर्थ्स पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। और डेथ रेट क्या होती है, इज़ अ नंबर ऑफ डेथ्स पर्सन पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। हाउ इज़ माइग्रेशन अ डिटर्मिनेंट ऑफ द पॉपुलेशन चेंज, कि माइग्रेशन जो है जनसंख्या में बदलाव का किस तरह से कारण माना जाता है। तो माइग्रेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रिलीजन्स एंड द टेरिटरीज, इट इज़ अ डोमिनेंट फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन चेंज एज इट इज़ चेंजेस द डेमोग्राफिक्स साइज एंड कंपोजिशन, दोनों को इफेक्ट करता है बोथ द एरियाज ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल, जहाँ से जनसंख्या पलायन करती है या जहाँ पे जनसंख्या जाती है, दोनों ही एरियाज इफेक्टेड होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, इंटरनल एंड इंटरनेशनल। तो इंटरनल तो क्या होगा कि एक देश की सीमाओं के अंदर जो माइग्रेशन होता है, और इंटरनेशनल माइग्रेशन क्या होगा जो एक देश से दूसरे देश में माइग्रेशन होता है। अब यहाँ पे हमें पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज के अंदर डिफ्रेंशिएट करना है। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिफर्स टू चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अ पॉपुलेशन चेंज इट रिफर्स टू द चेंज इन द पॉपुलेशन ड्यू टू बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। ठीक है, तो ग्रोथ रेट तो वो हुई कि एक स्पेसिफिक समय के अंदर वहाँ पे जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है, वो तो जनसंख्या वृद्धि कहलाएगी। और जनसंख्या में बदलाव होने का मतलब क्या है, उनको तीन चीज़ें इफेक्टेड करती हैं, बर्थ रेट है, डेथ रेट है और माइग्रेशन है। सेकंड हम इसमें बात करते हैं तो इट टेल्स द इंक्रीज और डिक्लाइन ऑफ द पॉपुलेशन इन अ नंबर, ये हमें नंबर के अंदर बताती है कि जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है, कितनी कमी हुई है। और चेंज जो है पॉपुलेशन चेंज, इट टेल्स द चेंजेस इन द पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ एज एंड सेक्स कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमें बताती है कि कितने बच्चे हैं, कितनी उम्र के कितने लोग हैं, उस तरह के जो चेंजेस होते हैं उनको ये हमें बताते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन इज रिफर टू एज द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर विच इज़ क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। द प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क, एंड टेरिटरीज आर कवर्ड ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन एट्सेट्रा। द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल एंगेज इन डिफरेंट एक्टिविटीज वेरीज इन डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप्ड नेशन हैव हाई प्रोपोर्शन ऑफ पीपल इन सेकेंडरी एंड टेरिटरी एक्टिविटीज, डेवलपिंग कंट्रीज हैव अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ वर्क फोर्स एंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटीज। In India, there has been a shift in favor of secondary and tertiary sector because of growing industrialization and urbanization. Next question है आपका, question number 5, what are the advantages of having a healthy population, कि क्या फ़ायदे होते हैं एक स्वस्थ जनसंख्या किसी भी देश की जब होती है। द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ हेल्दी पॉपुलेशन आर, फर्स्ट है इसमें है हेल्दी इंडिविजुअल इज़ मच मोर एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव देन एन अनहेल्दी इंडिविजुअल, ही और शी इज़ एबल टू रियलाइज हिज और हर पोटेंशियल एंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन सोशल एंड नेशनल डेवलपमेंट, यानी एक स्वस्थ व्यक्ति या महिला जो है वो अपनी इंपॉर्टेंस को समझते हैं और सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर विकास में सहयोग देते हैं। एब्सेंटीज्म इज़ लो वेयर द वर्कर्स आर हेल्दी, कि लोग अगर स्वस्थ होंगे तो वो अपने काम से कम छुट्टियाँ
लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी NPP 2000। तो 2000 की जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है उसके क्या क्या विशेषताएं हैं। तो फर्स्ट है इसमें कि फ्री एंड कंपलसरी स्कूल एजुकेशन अप टू 14 ईयर ऑफ एज। दूसरी है इसमें रिड्यूसिंग इन्फेंट मोरेलिटी रेट टू बिलो 30 per 1000 लाइव बर्थ्स। अचीविंग यूनिवर्सल इम्यूनेशंस ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। प्रमोटिंग डिले मैरिज एंड चाइल्ड बियरिंग। मेकिंग फैमिली वेलफेयर अ पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम। प्रोवाइडिंग नेचुरल न्यूट्रिशनल सर्विसेज एंड फूड सप्लीमेंट्स टू एडोलसेंट। फिर है प्रोटेक्टिंग एडोलसेंट्स फ्रॉम अनवांटेड प्रेगनेंसीज एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एंड एजुकेटिंग दैम अबाउट द रिस्क ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स। मेकिंग कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज असेबल एंड अफोर्डेबल। सो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ योर चैप्टर दैट्स नेम इज पॉपुलेशन। आई होप स्टूडेंट्स दैट यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड द चैप्टर एज वेल एज द क्वेश्चन answers. So thank you for watching my video.